उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई पहुंची कंगना रनौत, हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, दफ्तर तोड़ने पर लगाई रोक। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई पहुंच चुकी हैं। उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया और खार स्थित उनके घर पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभिनेत्री ने मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनके बांद्रा स्थित बंगले में अवैध निर्माण बताकर कुछ हिस्से को गिरा दिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीएमसी की टीम बुलडोजर और उत्खनन वाली मशीनें लेकर बांद्रा के पाली हिल बंगले पर पहुंची और महानगर पालिका की बिना मंजूरी के इमारत में की गई फेरबदल वाले ढांचे को गिरा दिया। इस पर कंगना रनौत ने कहा, मैंने कभी गलत नहीं किया, मेरे दुश्मन बार बार यह साबित कर रहे हैं कि मुंबई अब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। मुंबई में अपने घर पर पहुंचते ही कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे का खुली चुनौती दी है। कंगना ने कहा कि मेरे साथ क्रूरता और आतंक हुआ है, मुझसे बदला लिया गया है। कंगना ने सीएम उद्धव ठाकरे को कहा, यह वक्त का पहिया है, घूमता रहता है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत ने बीएमसी की कार्रवाई के बाद दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का वीडियो साझा किया है। उन्होंने जिस वीडियो को ट्वीट किया है उसमें देखा जा सकता है कि फर्नीचर बुरी तरह टूट गए हैं। आप भी तस्वीरों के माध्यम से देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार न्यूज प्रतिदिन। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।